बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू द एसके फूड बैंक। आज हम बनाएंगे बहुत मशहूर तरीन अफ़गानी बुरानी बैंगन, जो कि मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत पॉपुलर हैं। ये इतनी मज़ेदार होंगे कि आप गोश्त और चिकन को छोड़कर ये बैंगन खाना पसंद करेंगे। ये बनाने में बिल्कुल डिफरेंट और इजी रेसिपी है। ये कैसे बनते हैं देखने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैंने ये राउंड शेप में 1 किलो फ्रेश बैंगन लिए हैं। आप लंबे वाले बैंगन भी ले सकते हैं। 2 दरमियाने आलू हैं जो वज़न में 300 ग्राम हैं, और 4 बड़े टमाटर, इन्हें छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। बैंगन को धोकर इन्हें खुशक कर लिया है। अब बैंगन की पहले ये डंडी उतार कर इसे इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लेंगे। स्लाइसिस ज़्यादा मोटे या पतले नहीं रखने, इस तरह से बैंगन गोल स्लाइस में काटने हैं। पके हुए बीज वाले पीसीज निकाल देंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1.5 कप कुकिंग ऑयल डालकर हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। पहले आधे बैंगन स्लाइस में काट कर इन्हें फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम करके इन्हें लाइट गोल्डन होने दें। 1 किलो बैंगन थोड़े थोड़े करके 2 से 3 दफ़ा फ्राई होंगे। चम्मच से हिलाते रहें और इस तरह से साइड बदलते रहें। 2 से 3 मिनट में ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना। जो स्लाइस लाइट गोल्डन हो चुके हैं उन्हें पहले निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बाकी सब स्लाइसेस भी निकाल लेंगे। बाकी बैंगन भी इसी तरह गोल स्लाइसेस में काट कर फ्राई कर लेंगे। उतनी देर को गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। और अब ये आलू भी मैंने इसी तरह से गोल स्लाइसेस में काट लिए हैं। इन्हें भी ऑयल में डालकर लाइट गोल्डन कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। आलू भी मुसलसल चम्मच हिलाते हुए लाइट गोल्डन कर लेंगे। थोड़ी ही देर में ये देखें, आलू लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम स्लो करके आलू एक छलनी में निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। आधा ऑयल निकाल लेते हैं। ये ज़ाया नहीं होगा, इसे किसी भी सब्ज़ी के पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 मीडियम प्याज बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। गैस का फ्लेम हाई करके प्याज फ्राई कर लेंगे। इन्हें सॉफ्ट करना है, गोल्डन या ब्राउन नहीं होने देना। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए प्याज सॉफ्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में ये देखें, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर 2 मिनट फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 2 मिनट के बाद टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो करके मसाले डाल देते हैं। 1.5 टेबल स्पून खुशक धनिया क्रश करके डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा हल्दी डालकर सब मसाले मिक्स कर लेंगे और फ्लेम मीडियम कर देंगे। ऑयल नज़र आने तक या फिर 2 मिनट इन्हें भूनना है। 2 मिनट मसाले भूनने के बाद अब इसे लिड से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। 3 मिनट के बाद लिड उठाकर दोबारा चम्मच से हिलाएंगे और इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और मिक्स करेंगे। हल्का हल्का इस तरह से मैश करते जाएंगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करें ताकि मसाले जले नहीं, और इस तरह से मैश करते जाएं और इसे भूनते जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, ज़बरदस्त मसाला तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक दूसरे पैन में पहले थोड़ा सा ऑयल इस तरह से नीचे लगाएंगे। ये मैंने बैंगन फ्राई वाला ऑयल लिया है। अब इसके ऊपर बैंगन के फ्राई स्लाइसेस की तह लगा दें। अगर स्लाइसेस ज़्यादा हों तो 2 तहें लगाएंगे। गैस का फ्लेम अभी ऑफ है। आधे बैंगन के स्लाइसेस की तह लगाकर ऊपर थोड़े से आलू बिछा दें और फिर बाकी आधे बैंगन के स्लाइसेस की तह लगाएंगे।
आलू के बाकी स्लाइसेस जो बचे हैं वो भी ऊपर रख देंगे। अब ऊपर मसाले का मिक्सचर फैला दें। मिक्सचर अच्छे से फैलाएंगे। आपने पहले इस तरह से बैंगन बनाकर कम ही खाए होंगे। एक लेमन का जूस डाल देंगे। 5 से 6 सब्ज़ लंबी मिर्चें स्लाइस में काटकर ऊपर फैला देंगे। 3 लंबी सुरख मिर्चें इस तरह से बारीक काट कर डाल देंगे। ये शार्प नहीं होती, अगर ना हो तो स्किप कर दें। 1 कप या फिर 300 ग्राम दही इस तरह से सारे मिक्सचर पर फैला दें। दही को पहले मैंने फेंट लिया था। अब इसके ऊपर 2 चुटकी कुटी लाल मिर्च और 2 चुटकी नमक स्प्रेड कर दें। नमक और मिर्च आप एज ए टेस्ट डालें। ये मसाले इसमें परफेक्ट हैं, लेकिन आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 कप सब्ज़ धनिया बारीक काट कर स्प्रेड कर दें। अब इसे लिड से कवर करके गैस का फ्लेम ऑन कर दें। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम होने दें। यकीन करें, बहुत ही फंटेस्टिक रेसिपी है। अफगानी इसे बहुत शौक से बनाते और खाते हैं। 5 मिनट के बाद लिड उठाएं और गैस का फ्लेम स्लो कर दें। अगर लगे कि अभी इसमें पानी है तो गैस का फ्लेम मीडियम करके बगैर कवर के 1 मिनट पकाएं और पानी खुशक होने दें। आप चाहें तो इसे बगैर मिक्स किए ऐसे ही सर्विंग डिश में डालकर सर्व कर सकते हैं, या फिर हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लें। 2 से 3 चम्मच हिलाकर हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो ये देखें, बहुत मज़ेदार चिकन और मटन की छुट्टी करके प्लेटें चट कर जाने वाले अफगानी बैंगन तैयार हैं। अब सर्विंग के लिए डिश में डालते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जो लोग बैंगन शौक से नहीं खाते वो भी, और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इतने मज़ेदार कि आपने पहले कम ही खाए होंगे। रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में नाम और सिटी के साथ ज़रूर मेंशन करें। ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपकी फेवरेट होगी। आखिर में लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।